भाई बहुत ही गंदा हो गया है ये बारिश का मौसम। मेरा बाइक का हालत बिगाड़ रहा है भाई। चलिए इस वीडियो में मैं अपने GoPro का बैटरी टेस्ट करूंगा। ये 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड सुपर व्यू में है, तो मैं देखूंगा कि ये कितना बैटरी दे रहा है। अभी 11 बज रहे हैं। आई एम सो लेट। लोग ऐसे देख रहे हैं कि मैं साला कोई एलियन हूँ। अरे बिल्ली रास्ता काट गई भाई। तो ये माइक का टेस्ट भी हो रहा है क्योंकि मैंने माइक को कहीं और रखा है। आई होप अभी भी नॉइस वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है जहाँ मैंने माइक को लगाया है। पीछे से हॉर्न देने का क्या फ़ायदा अगर आप ओवरटेक ही ना करो। वो देखो बंदा। अरे अंकल को चिप्स अच्छा चोको क्रंच दूटो दिन। একশো আশি না আমি পে করে দিয়েছি। ইয়া কা কাম হো গয়া। আরে ভাই জিসকা ভি কুছ হুয়া হ্যায় ও আই হোপ ও ঠিক হো জায়। মুঝে অ্যাম্বুলেন্স কা সাউন্ড বহুত হি ডিপ্রেসিং লাগতা হ্যায়। बच गया साला। अरे भाई ये क्या है? कहाँ है भाई? मुझे लगा रास्ता बंद है। BMW सामने जा रहा है और एक BMW आई बिलीव वो X3 लग रहा है। सामने से देखते हैं। अबे ये तो मारुति है। ये तो टट्टी है। एंड ओ X6 है। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। X6 है। वाओ हेलो X6। अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो दुकान थे वो अभी धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं। नहीं तो ये जो भी आप साइड में देख रहे हैं ये सब दुकान ये सब बंद था। इन द सेंस उनको तोड़ दिया गया था। भर भर के गाड़ियाँ दो तरफ इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ ही गाड़ियाँ रहती थी। तो ये वाइट लाइन अगर आपको दिख रहा है तो ये वाइट लाइन क्रॉस करके गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क रहती थी। मैं तो आए दिन बहुत एक्सीडेंट देखता था यहाँ पर। एक दिन तो मैं देख रहा था कि ऐसे कोई गाड़ी पार्क थी यहाँ पे, जैसे कि इको स्पोर्ट, और पीछे का इसका पूरा शीशा टूटा हुआ था। जान जोखिम में डालने से किसी का फ़ायदा तो है नहीं। हाँ इन लोगों का एक इनकम था वो ख़त्म हो गया, लेकिन ये थे भी तो इलीगल, और इलीगल चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती है भाई। मैं रात को भी निकलूँगा शायद इसी रास्ते से, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड के घर मेरा एक पार्सल आया है, उसको मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा। नया GoPro है भाई, मुझे बारिश में नहीं भिगोना है। अभी थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है। हे प्रभु हाईवे तक पहुंचा दो, उसके बाद मैं खींच लूँगा। बहुत लोगों के लिए बारिश रोमांटिक है, लेकिन मेरे लिए सजा है अभी, क्योंकि मीडिया मार्ट बिल्कुल भी वाटरप्रूफ नहीं है और ये 7000 का है। इसको अगर कुछ हो जाता है तो मैं डूब जाऊंगा इस बारिश के पानी में। अभी हम लगभग पहुंच गए हाईवे, तो राइट लेके सीधा जाएंगे तो हाईवे आ जाएगा। ये
इंडिया बीस्ट हाईवे, अब हमको खींचना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा बारिश ज़्यादा ही हो रहा है, मुझे लग रहा है मुझे GoPro निकाल के बैग में डालना पड़ेगा, क्योंकि भाई GoPro भिगा नहीं सकते। हमें जाना है अभी लेफ़्ट की तरफ, क्योंकि मेरा घर लेफ्ट है, राइट से एयरपोर्ट जाते हैं लोग, सो इंडिकेटर दे दिया है। और ये और एक बहुत एक्सीडेंट प्रोन, वो देखो बस देखो, अरे भाई तीन सौ तो मेरा बाइक ये 1.5 साल पुराना है, फिर भी लोग पूछ ही लेते हैं कितना सीसी कितना देती है। अटेंशन सिकत तो है भाई, क्योंकि कलर इसका बहुत ही अच्छा है और परफॉर्म भी अच्छा ही करती है। ब्रेक्स इसके काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि ब्रेम्बो के बैक ब्रेक्स हैं। ब्रेकिंग और oh, no. चला अभी उड़ा देता मेरे को। ब्रेकिंग और पावर, अगर आपका आपके बाइक का अच्छा है तो, और हाँ लुक्स, तो आपका बाइक हिट है। मैं क्लच को लेके कुछ नहीं बोलूँगा, किंतु क्लच थोड़ा हार्ड है इसका। गियर शिफ्ट कर रहा था ना पहली बार, तो मुझे भी थोड़ा हार्ड लगा, इसीलिए मैंने ये फुल कवर शूज़ पहनना चालू कर दिए। चप्पल पहन के नहीं कर सकते, क्योंकि आपका फुट का जो सामने का पोर्शन है वो बहुत मतलब डैमेज होता है, लगता है लाइक लिटरली लग जाता है। मेरी तरह क्रॉक्स पहनना पड़ेगा या फिर कोई कवर्ड शू। ठीक है चलो रात को निकलते हैं। 9 hours later. So, अभी भी 27% बैटरी बचा हुआ है GoPro में, तो 27% मतलब यू कैन से मैंने सुबह को शूट किया था, कितना होगा तब 35-40 मिनट। बट गिवन द फैक्ट मैं वो मूव कर रहा था, इतना फंबल क्यों करता हूँ, मैं मूव कर रहा था बाइक में, तो जो विंड है उससे बैटरी थोड़ा ठंडा हो रहा था। तो मैंने नोटिस किया कि GoPro में जब आप स्टैंडस्टिल पोजीशन में ऐसे रख के आप शूट करते हो तो उसका बैटरी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और यू कैन नॉट शूट फॉर लाइक 30 मिनट्स, मतलब बैटरी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। बट व्हेन यू मूविंग तो बैटरी में वेंटिलेशन के वजह से उतना जल्दी गर्म नहीं होता है, कहूँगा 50 मिनट या फिर मे बी 55 to 1 आवर, एक घंटा तक भी आप शूट कर सकते हो, गिवन द फैक्ट ऑफ यू आर मूविंग और यू 1080p 60 फ्रेम पर सेकेंड। माइक टेस्ट हो गया है, सोनी का माइक इज परफॉर्मिंग लाइक एनीथिंग, मैंने चेक किया है फुटेज। तो पार्सल आया था, मैं घर पे वापस आके दिखाता हूँ वो क्या पार्सल आया था। तो चलो लेट्स गो। कितने दिनों से मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक सोलो ट्रिप मारूंगा, एक सोलो ट्रिप मतलब थोड़ा सा तो लॉन्ग जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। जब भी छुट्टी के लिए कुछ बोलो मैनेजर को तो वो तो मना ही कर देता है। कभी कभी तो मुझे मन करता है कि बोल दूँ साला, ए चुप करे मैनेजर, लेकिन क्या करे, ऑफिस है, पेट पे लात थोड़ी मार सकते हैं। अभी चैनल थोड़ा नया भी है, तो आप लोग अगर सपोर्ट करते हो तो मैं भी निकल पड़ूँगा बाइक को लेके फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर। वहाँ कोलकाता तो है ही, कोलकाता कन्याकुमारी और फिर कश्मीर, क्या मुझे लद्दाख भी जाना है। बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। अभी अभी मैंने GoPro खरीदा है, बड़ा धक्का नहीं ले सकते। सीन वादियों में बाइक चलाएंगे, हाईवे में बाइक चलाएंगे, उसका खुशी तो भाई कुछ और ही। अभी मैं वाइजर अप कर रहा हूँ तो इतना विंड ब्लास्ट और फिर माइक आप देख लो कितना कैच कर रहा है। अभी मैंने कर दिया वाइजर डाउन, भाई रात को बाइक चलाने का मजा ही कुछ और है, बहुत मजा। ठंडी ठंडी हवा, आई होप, मैं फिर से बोलूंगा आई होप, जैसे सुबह को मैंने कहा है
कि जैसे सुबह को कोई इशू नहीं हुआ था माइक को लेके, होप कि अब रात को भी कोई इशू ना हो। कट मारे क्या? ओ ये डूड, दिस इज सो फन। बात तो सही है यार, बाइक चलाने का ना भाई, ऊपर से रात को। কোথা হবে পূজো? এক তারিখে প্রসাদ দিয়ে দেবে। কি প্রসাদ দেবে? এখানে খিচুড়ি দেওয়া হবে আর তরকারি দেওয়া হবে। প্রত্যেকবার করি কিন্তু এই বছর একটু বেশি বড় বড় করছি, এই জন্য সাহায্য। ঠিক আছে, তোমার নাম বলো। তুষার। আচ্ছা, আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে থ্রটল গিক। দেখতে পারবো ভিডিওটা আমাদের। থ্যাংক ইউ, তোমাকে থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, চলো ইয়ার, এক সাবস্ক্রাইবার তো হো গিয়া। পূজা থা, পূজা কে লিয়ে ঠিক হ্যাঁ, রিকোয়েস্ট হ্যাঁ কর দিয়ে, তবে ইউটিউবার বন গে, থোড়া চন্দা ইধর উধর তো দেনা হি পড়েগা। চলো ঠিক হ্যাঁ, কোই নাই, সাবস্ক্রাইবার ভি বড় গয়া এক। এট লাস্ট তিন দিন সে মেরা কোই সাবস্ক্রাইবার নাই বড় রাহা থা, তো মে থোড়া ডিপ্রেস ভি হো গয়া থা, কিন্তু শর্টস मुझे पता नहीं, आप लोग बोलिए, शॉर्ट्स में छोड़ रहा हूँ लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। अभी पता नहीं यूट्यूब का रीच डाउन हो गया है कि क्या हो गया है, इतना भी क्यों है भाई। आ जाओ आ जाओ, अभी फ्रेंड का घर भी है, नज़दीक ही है, तो उससे पार्सल कलेक्ट कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे जब यहाँ से निकलूँगा। 1000 years later. इससे मैं निकल आया और बहुत लेट हो चुका है, लगभग 12 बज गए यार, मम्मी मुझे मार डालेगी। तो मैंने अपना पार्सल भी कलेक्ट कर लिया है, घर पे जाके आई विल शो यू। छोटा सा किचन है गणेश जी का, क्यूट, और ये मेरा पार्सल है जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और उसके घर में डिलीवर्ड हो गया था, तो ये कुछ लाने गया था। और जैसे कि 12 बज चुके थे तो मेरे पास एक्स्ट्रा बैटरी था, अभी जब वापस आ रहा तो मैं पूरा शूट नहीं कर पाया क्योंकि कहीं पे रुक के फिर बैटरी निकाल के उसको नया बैटरी से शूट करना तो और भी टाइम जाता, तो मेरे दिमाग में घूम रहा था कि आई हैव टू रीच होम फास्ट, सो मैं शूट नहीं कर पाया। आपने जितना भी शूट किया आई गेस वो मोर देन एनफ है। तो अभी मैं खाना खा लेता हूँ और बहुत रात हो चुका है, 1 बजने को जा रहा है। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट एंड पीस आउट।